हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविष्का किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाएंगे ये मटर से बनने वाली इतनी टेस्टी और डिलीशियस सब्जी कि आप पनीर की सब्जी तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए आइए बनाना इसको शुरू करते हैं। और अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मटर की ये सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मटर और 1 कप बेसन। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब हम एक जार लेंगे मिक्सी का, इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जीरा डाल देंगे और इन सब का पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारा मैं निकाल ली हूँ इसमें। अब हम इसमें ये 1 कप बेसन ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और ये नमक स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए ऐसे ही बैटर बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए लगभग इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डाली हूँ। ये देखिए इसका एकदम परफेक्ट बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बैटर बन के तैयार हो गया है। चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और ये बैटर जो हम रेडी किए हैं इसको अब इसमें डाल के इसको कंटिन्यू चलाते हुए थिक फॉर्म में ले आना है। जैसे हलवे का बैटर हम लोग तैयार करते हैं वैसे इसको बनाना है, हलवे जैसा हो जाना चाहिए ताकि ये जम जाए। और इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये कढ़ाई की तली में चिपक जाएगी। और आप इस रेसिपी को बनाने के लिए किसी मोटी तली वाली कढ़ाई का यूज़ करिए। और ये देखिए हमारा बैटर थिक हो गया है। मैं इसको कम से कम 10 मिनट के करीब इसको लगातार चला के पकाई हूँ। हमें इस प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने से हमारा बैटर प्लेट में चिपकेगा नहीं। और अब हम ये देखिए ग्रीस हो गया है, अब हम बैटर इसमें डाल लेंगे। तो हम ऐसे ही सारा बैटर प्लेट में डाल लेंगे, उसके बाद हम इसे फैला लेंगे। फैलाने के लिए आप चाहें तो हाथ में ऑयल लगा के भी फैला सकते हैं या फिर पानी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं हाथ में पानी लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लूँगी ऊपर से। अब हम इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। 20 से 25 मिनट के आसपास में ये अच्छे से सेट हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो जब तक ये सेट होता है तब तक हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। और जिस कढ़ाई में हम इसे बनाए इसमें अब हम पानी डाल के इसे छोड़ देंगे, इसे फेंकना नहीं है। इसका हम ग्रेवी बना लेंगे। और देखिए तब तक हम मसाला बना के तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज डाल ली हूँ और यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल लेंगे, थोड़ा सा अदरक डाल लेंगे और ये जीरा, और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसका थिक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे, इसमें तेज पत्ता डालेंगे 3 से 4, 2 लाल मिर्च डालेंगे, ये ऑप्शनल है, 2 इलायची डाल लेंगे और 2 ये लौंग डाल लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये लगभग 2 प्याज कटी हुई है बारीक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है और हमारा प्याज भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट और अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अब ये भून गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला और यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब नमक 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेंगे। ये देखिए ये भून गया है अब बहुत ही अच्छे से। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब हम इसमें बैटर वाला पानी डाल लेंगे जो हमने रखा था। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसे चला लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट इसे पकने देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। ये देखिए हमारा बैटर भी सेट हो गया है। अब हम इसे किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ। और इसे हम कट करके ये देखिए कितना ईजिली कट हो गया। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम नई रेसिपी है, आप ऐसे कभी नहीं खाए होंगे बना के। और ये देखिए बर्फ़ी तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर ली थी। तेल बहुत ही हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, तो तेल गरम होना चाहिए। अब हम इसे एक एक करके डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए एक साइड की पकौड़ियाँ फ्राई हो गई थी, अब हम इसे दूसरी साइड पलट के भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए पकौड़ी फ्राई होकर रेडी हो गई है। अब ऐसे ही हम सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी, आप इसे नाश्ते की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब 20 मिनट हो गया है, अब हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। ये देखिए थिक भी हो गई है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ जो फ्राई किए थे अब वो ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि पकौड़ियाँ भी पकी हुई हैं और ग्रेवी भी पक चुकी है। सिर्फ ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें कटी हुई धनिया ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप पराठा, पूड़ी, रोटी, चावल किसी चीज़ के भी साथ खाइए, बहुत ही डिलीशियस लगेगी। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार आप इसे घर में ज़रूर बना के ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी रेसिपी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।